गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। आप लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास। एंड आई ऑल्सो होप दैट कि आप लोगों ने जो आपका साइंस का चैप्टर नंबर 1 अडाप्टेशन इन एनिमल्स की जो भी वीडियोज आप लोगों के पास अभी तक आई होगी, उसको आप सब ने अच्छे से ध्यान से रीड करा होगा और अच्छे से जहाँ तक मैंने आपको कराया है वहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिया होगा। तो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर साइंस बुक्स, नंबर 5 पेज नंबर 74 जल्दी से निकालो, पेज नंबर 74 चैप्टर नंबर 8। ठीक है क्लास, निकाला, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जो एनिमल्स हैं उनको उनके हैबिट्स के अकॉर्डिंग 2 हैबिट्स में उनको डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एंड सेकेंड है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स सिर्फ हमारे लैंड पे रहते हैं दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो एनिमल्स हमारे वाटर में रहते हैं दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल, और उनकी हमने अडाप्टेशंस पढ़ी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो एनिमल्स जो रोड मतलब दोनों जगह पे, एम्फीबियंस वो एनिमल्स हैं जो पानी और लैंड, वाटर और लैंड दोनों जगह रहते हैं दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस। एंड उसके बाद हमने पढ़ा एरोबोरल एनिमल्स। एरोबोरल एनिमल्स वो होते हैं जो अपना ज़्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ देयर टाइम स्पेंड करते हैं अपने ट्रीज पे, ट्रीज पे रहते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम, उनको हम एरोबोरल कहते हैं। और उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था एरियल एनिमल्स जो मोस्टली स्काई में फ्लाई करते हुए अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अडाप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, कि एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कि अगर उनको फील होता है कि वो डेंजर में है या उनकी लाइफ डेंजर में है या उनको कोई भी एनिमल आके नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो कैसे अपने आप को उस चीज में अडाप्ट करते हैं। एनिमल्स ईट डिफरेंट अदर एनिमल्स फॉर फूड। बेसिकली हर एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है अपना खाना समझ के, सो दे नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एनिमीज। सो जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाता है तो दूसरे एनिमल को अपनी प्रोटेक्शन, अपनी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको दुश्मनों से कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो वो अपने आप को होता है। लेट्स सी हाउ द एनिमल अडाप्ट देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर एनिमीज, और हम ये देखेंगे कि कैसे एनिमल अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं अपने अपने दुश्मनों से। कैमोफ्लैगिंग। द कलर एंड द शेप ऑफ सम एनिमल्स लाइक ज़ेब्रा, लीफ इंसेक्ट, ग्रास हॉपर एसेट्रा आर सच दैट दे मर्ज विद द सराउंडिंग। जैसे कि आप ये देखते हो ज़ेब्रा का जो कलर है ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होती है, लीफ इंसेक्ट ग्रीन कलर की होती है, वो लीफ पे अगर रहती भी है तो ऐसा लगता है कि वो लीफ है, लीफ इंसेक्ट पता नहीं चलता। ग्रास हॉपर इनका जो कलर है ये अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग इनका कलर है, जो कि बहुत ही इनके लिए बेनिफिट है, इन एनिमल्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। दिस स्पेशल फीचर इज कॉल्ड कैमोफ्लैगिंग, और ये कौन सा फीचर होता है कैमोफ्लैगिंग। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कैमोफ्लैगिंग एनिमल्स, और इनको हम क्या कहते हैं कैमोफ्लैगिंग एनिमल्स। विद दिस फीचर दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज, और इस फीचर से ये अपने आप को अपने दुश्मनों से प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी जान बचा के रखते हैं। चमेलियन चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इट्स एनिमीज, और जो चमेलियन होती है वो क्या होता है अपना कलर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग चेंज कर लेती है, जिसको हम हिंदी में गिरगिट कहते हैं उसको इंग्लिश में चमेलियन कहते हैं, और ये अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मतलब एक अगर फॉर एग्जाम्पल ये किसी लीव पे बैठी है, किसी मतलब ट्री के किसी लीव के आसपास बैठी है, तो ये अपना कलर लीव्स के अकॉर्डिंग कर लेगी, तो आप जज नहीं। तो इनके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि ये अपना कलर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स लाइक लेपर्ड, टाइगर, ज़ेब्रा, जिराफ एसेट्रा हैव स्पॉट्स एंड स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडी व्हिच हेल्प देम टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग, और जो एनिमल लाइक लेपर्ड, टाइगर, ज़ेब्रा, जिराफ है इनके ऊपर स्पॉट्स होते हैं, स्ट्राइप्स होती है इनके बॉडी में, जो हेल्प करती है इनके आसपास के सराउंडिंग में इनको मिक्स होने के लिए, और जल्दी कोई भी एनिमल इनको दूर से देख के जज नहीं कर सकता। अ वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट लुक लाइक ट्री और अ शर्प व्हेन इट इज अ रेस्टिंग, इट हैज द सेम कलर शेप। ये देखो वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट देखा है ना, कि जब ये नहीं कह सकते कि आपके ट्री पे या स्टेम पे कुछ चल, ब्रांच पे कुछ चल रहा है, बट
ये बिल्कुल उनके जैसी शेप अडाप्ट कर लेते हैं। सो क्लास अब आप लोग कैमोफ्लैगिंग के बारे में पढ़ो, फिर हम आगे चलेंगे। रीड इट हियर, फिर हम लोग आगे चलेंगे। रीड इट, चलिएगा आगे चलते हैं। शेल्स एंड स्पाइंस, कुछ
जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर कवरेज के लिए शेल होता है, मींस दैट वो जो शेल होता है वो उनको उनके एनिमी से, उनके दुश्मनों से उनको बचाता है। स्नेल्स, टॉर्टाइज एक्सेट्रा आर द एनिमल्स दैट हैव हार्ड शेल। जो स्नेल्स होते हैं और जो टॉर्टाइज होते हैं उनके ऊपर बहुत ही हार्ड शेल होता है, एक कवरेज होती है, एंड दीस शेल कवर एंड प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज। और ये जो शेल है उनको हेल्प करता है, उनके बॉडी जो उनके सॉफ्ट बॉडी होती है उनको हेल्प करता है उनको कवर करने में, उनको नुकसान ना हो, जो उनके बॉडी के सॉफ्ट पार्ट है वो शेल उनको प्रोटेक्शन देता है। पॉर्क्यूपाइंस एंड हेडगेहॉग्स आर एनिमल्स हैविंग शार्प फैंग्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। आपके पास ये दो एनिमल्स हैं जिनके ऊपर एक बहुत ही शार्प से स्पाइंस है, मतलब एक कांटे टाइप है जो उनको हेल्प करते हैं उनके दुश्मनों से बचाने के लिए। नेक्स्ट है पॉइजन। बीज एंड वैक्स आर सम एनिमल्स हैव द स्टिंगिंग हैव स्टिंग्स। जो बी होती है, मधुमक्खी और मक्खियाँ होती है, उनके ऊपर स्टिंग होते हैं, वो स्टिंग होते हैं उनके ऊपर और वो उनका डंग होता है, वो डंग के थ्रू लोगों को काटती है और उनमें पॉइजन आ जाता है लोगों की बॉडी में। दे यूज देयर स्टिंग्स टू इंजेक्ट पॉइजन इनटू द बॉडीज ऑफ देयर एनिमीज। और जब ये अपने एनिमीज अपने दुश्मन पे हमला करते हैं तो ये अपने डंग का, अपने स्टिंग का इस्तेमाल करते हैं और अपने दुश्मनों पे हमला करते हैं। ठीक है क्लास, अब यहाँ तक जल्दी से पढ़ो, फिर हम आगे चलेंगे। और ये वाला क्वेश्चन अपनी कॉपीज में नोट करो, रीड इट, राइट इट टिल हियर, फिर हम लोग आगे चलते हैं क्लास। आप लोगों ने भी चलिएगा, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अडैप्टेशंस फॉर फूड, जो फूड के अकॉर्डिंग अपने आप को अडैप्ट करते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द ईटिंग हैबिट्स, उनकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग, उनके खाने के तरीके के, एनिमल्स कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग फाइव ग्रुप्स। और एनिमल्स को पांच ग्रुप्स में बांटा गया है, एक हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओम पैरासाइट्स, इन पांच ग्रुप में इनको बांटा गया है। आपका हर्बीवोरस फर्स्ट, सेकंड कार्निवोरस, थर्ड ओमनिवोरस, फोर्थ स्कैवेंजर्स, फिफ्थ पैरासाइट्स। इनमें अकॉर्डिंग ये अडैप्टेशन, इनके फूड के अडैप्टेशन के अकॉर्डिंग इनको यहाँ तक बांटा गया है। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड द हर्बीवोरस। जो एनिमल्स सिर्फ पेड़ खाते हैं और पेड़ से बनी चीजें खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, लाइक काउ, बफेलो, डियर, जिराफ, गोट एक्सेट्रा, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोरस। और ये सारे क्या है, काउ, बफेलो, डियर, जिराफ, सारे क्या है, हर्बीवोरस के एग्जाम्पल है। अब आपका 10th एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है क्लास, अब आपका 10th का एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है 10th।
एनिमल्स जो एनिमल्स दैट ईट ओनली जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स जो या तो सिर्फ प्लांट खाते हैं या प्लांट से बने प्रोडक्ट खाते हैं आर कॉल्ड उनको हम क्या बोलते हैं आर कॉल्ड हर्बी उनको हम क्या बोलते हैं आर कॉल्ड हर्बी बोरेस एग्जांपल काउ काउ आपकी हर्बी बोरेस है गोट जिराफ ठीक है डियर कौन कौन से एनिमल्स हैं दीज आर योर हर्बिवोरस जो सिर्फ आपके प्लांट्स खाते हैं और प्लांट से बनी चीजें खाते हैं तो दे आर कॉल्ड आर हर्बिवोरस एनिमल्स ठीक है क्लास यहाँ तक एक बार पढ़ो एक बार इसके अडेप्टेशन भी पढ़ लेते हैं हर्बिवोरस हैव शार्प फ्रंट टीथ कटिंग टीथ फॉर बाइटिंग हर्बिवोरस के जो आगे के दांत होते हैं जो एनिमल्स के बहुत ही शार्प होते हैं ताकि वो अपने फूड को अच्छे से कट कर सके दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक टीथ और उनके जो बैक के टीथ होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ग्राइंडिंग टीथ च्यू देयर प्लांट्स फूड और उनके जो पीछे के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे वो अपने खाने को चबा के Many herbivores have hard hooves because they have to walk a lot in search of food. और बहुत सारे herbivores जो animals होते हैं उनके hard hooves होते हैं पैरों में hard hooves होते हैं नीचे पैरों में तल्ले में मतलब नीचे एड़ी से मतलब जो उनका foot होता है पंजे के नीचे hard hooves होते हैं क्योंकि इसलिए होते हैं because उनको अपने खाने के लिए बहुत सारा search करना पड़ता है तो इसी वजह से उनके मतलब पैरों के नीचे जो उनके हील होते हैं पैर फुट के नीचे होव्स होते हैं हार्ट जिसके थ्रू वो लंबा से लंबा ट्रैवल कर सके अपने खाने को ढूंढने के लिए ठीक है क्लास यहाँ तक एक बार रीड करो आप लोग रीड इट इन हियर क्लास अच्छे से अपना चैप्टर रीड करना है ध्यान से सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं ओके क्लास थैंक यू क्लास